ओम शांति। आज 30 जनवरी 2022 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य है। आज की मुरली की रिवाइज डेट है 2/1/1990, 2 जनवरी 1990 के रिवाइज महावाक्य। इसका टाइटल है सारे ज्ञान का सार स्मृति। सारे ज्ञान का सार ही बाबा ने कहा क्या है, स्मृति। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। इस समर्थ जीवन अर्थात सुखमय श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? आधार है एक शब्द, स्मृति। तो सदा स्मृति स्वरूप रहते हैं ना सभी, कहें हाँ जी बाबा। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही विस्मृति और स्मृति का। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो न कि शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक जीवन कर लिया ना सभी का जीवन अलौकिक। मैं आत्मा हूं कि स्मृति ने कहे हाँ जी बाबा। बाबा कहते हैं तो भी स्मृति स्वरूप के ऊपर आज विशेष बाबा ने ध्यान खिंचवाया है कि बीज है स्मृति। जिस बीज से वृत्ति दृष्टि कृति सारी स्थिति बदल जाती है। इसलिए गाया जाता है जैसी स्मृति वैसी स्थिति। हमारी स्मृति देखो ना सुखदायी विचारों वाली होगी तो स्थिति भी हैप्पीनेस वाली होगी, है ना सभी का अनुभव है। हाँ जी बाबा। बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो सतह ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई ना, हो गई ना हम सभी के जीवन श्रेष्ठ। हाथ ऊपर करे जो समझते हैं श्रेष्ठ हो गई। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गई। अब यह समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी यही स्मृति दिलाकर क्या से क्या बना देते हो। इस स्मृति से संसार ही बदल गया। बदल गया ना सभी का संसार आत्मिक स्मृति से, कहे हाँ जी बाबा। यह ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है। चाहे सेवा अर्थ संसारी आत्माओं के साथ रहते हो लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने कारण परिस्थिति को क्या समझती है। यह तो खेल है, कभी घबराएगी नहीं। पर कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए यह सब रास्ते के साइड सीन्स अर्थात रास्ते के नजारे है। साइड सीन्स तो अच्छे लगते हैं ना, जब ट्रैवल करते हैं तो साइड सीन अच्छे लगते हैं ना सभी को, कहे हाँ जी बाबा। खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं। यहाँ भी आजकल आबू दर्शन करने जाते हैं, जाते हैं ना आबू दर्शन करने। अगर रास्ते में साइट सीन न हो तो वह रास्ता अच्छा लगेगा, बोर हो जाएंगे। ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, प्रॉब्लम्स कहो, सब साइट सीन्स है। ये तो एक जैसी दिनचर्या, एक जैसा सब अच्छा अच्छा अच्छा, जैसा हम चाह रहे हैं वैसा वैसा हो रहा है, तो फिर कुछ रोमांच ही नहीं है ना। कुछ सस्पेंस तो होना चाहिए खेल में।
स्मृति में है कि यह मंजिल के साइट सीन्स अनगिनत बार पार की है, हमने n नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, काफी बार ये मंजिल के जो भी विघ्न है, प्रॉब्लम्स है, उनको पार किया है, तो विजय तो हमारी हुई पड़ी है, ये सदा स्मृति रहे तो सब कुछ हल्के हो जाएंगे और आसान भी हो जाएगा। नथिंग न्यू, इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ, स्मृति। अगर यह स्मृति भूल जाती अर्थात फाउंडेशन हिला, तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। आप तो अचल है ना, सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट्स का आधार भी स्मृति है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद, याद अर्थात स्मृति, मैं कौन, बाप कौन। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान, रचता और रचना का ज्ञान मिला, उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई कि अनादि क्या हो और आदि क्या हो और वर्तमान समय क्या है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, और भी कितनी स्मृतियां दिलाई है, तो ज्ञान की स्मृति हुई ना, तो पहला याद की स्मृति, दूसरा ज्ञान की स्मृति। फिर बाबा कहते तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण, दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मणों के यह गुण हैं, गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है ना, तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में कर्म में लगाते हो। कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती है, समय पर गुण यूज नहीं कर सकते हो। जब समय बीत जाता फिर स्मृति में आता है कि यह नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। अभी अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो जब वो स्मृति आती है ना कि हमारे से वो हो गया, नहीं करना चाहिए था, और जब हम मैच्योरिटी के साथ सोचते हैं कैसे नहीं करना चाहिए, तो अपने ऊपर हंसते भी है ना, कहे हाँ जी बाबा। वैसे भी कोई बात व कोई चीज समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है, चीज है भी, होगी हमारे पास ही चीज, पर कहाँ रखी है ये भी भूल जाते, लेकिन समय पर याद नहीं आती तो घबराते हो ना। ऐसे यह भी समय पर स्मृति न होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हो। तो दिव्य गुण का आधार क्या हुआ, सदा स्मृति स्वरूप, निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में कार्य में लगता रहेगा। फिर चौथी सब्जेक्ट है सेवा, इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूं, तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना, तो चार ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्मृति हुआ ना, सारे ज्ञान का सार एक ही शब्द हुआ स्मृति। इसलिए बाप दादा ने पहले से ही सुना दिया है कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है, लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना है, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होना है। क्वेश्चन कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन होगा, नष्ट मोहा स्मृति स्वरूप। क्वेश्चन भी पहले से ही सुन लिया है ना, फिर तो सभी पास होने चाहिए। सभी नंबर वन पास होंगे या नंबर वार पास होंगे, क्या कहते हैं, डबल विदेशी किस नंबर में पास होंगे, तो किसी ने कहा नंबर वन। बाबा कहते हैं तो माला को खत्म कर दे या अलग माला बना दे, उमंग तो बहुत अच्छा है, डबल फॉरेनर्स को विशेष चांस है लास्ट सो फास्ट जाने का, यह मार्जिन है, क्योंकि फॉरेनर्स बाद में आए ना ज्ञान में। बाबा कहते हैं मार्जिन तो जो सभी लास्ट में आए हैं उनको बाबा ने मार्जिन दिया है कि फास्ट पुरुषार्थ करो और फर्स्ट आ जाओ। अलग माला बनाए तो जो
पिकनिक के स्थान बनेंगे वहां जाना पड़ेगा। यह पसंद हो तो अलग माला बनाएं। आप लोगों के लिए माला में आने की मार्जिन रखी है, आ जाएंगे। अच्छा, सभी टीचर्स तो स्मृति स्वरूप हैं, चारों ही सब्जेक्ट में स्मृति स्वरूप। मेहनत का काम तो नहीं है ना, सभी मेहनत मुक्त बन गए ना, हम बाबा के मोहब्बत के झूले में झूलते, माना सभी मेहनत मुक्त है ना, सभी मेहनत मुक्त कहे हाँ जी बाबा। टीचर्स का अर्थ ही है अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। आपके फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाए कि मैं आत्मा हूं। मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा वह चमकती हुई मणि, जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाएगा, मणि की तरफ जाएगा, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान स्मृति में नहीं आए। अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए। टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हो, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाना यही सेवा है। समर्थ तो हो या कभी कभी घबराती हो? अगर टीचर्स घबरा जाएंगे तो स्टूडेंट क्या होंगे? टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल, निरंतर स्मृति सुसमर्थ स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा तो टीचर्स भी आगे हो ना, निमित्त माना आगे। जैसे सेवा प्रति समर्पण होने में हिम्मत रखी, समर्थ बनी, तो यह स्मृति क्या है? यह तो त्याग का भाग्य है, त्याग कर लिया। अभी भाग्य की क्या बड़ी बात है? त्याग तो किया लेकिन त्याग त्याग नहीं है, क्योंकि प्राप्ति बहुत ज्यादा है। त्याग क्या किया? सिर्फ सफेद साड़ी पहनी, वह तो और भी ब्यूटीफुल बन गई हो, फरिश्ते परियां बन गई हो, और क्या चाहिए? बाकी खाना पीना छोड़ा, वह तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ज्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा खाओ। आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते, बाकी क्या छोड़ा? गहना पहनना छोड़ा। आजकल तो गहनों के पीछे चोर लगते हैं, अच्छा किया जो छोड़ दिया, समझदारी का काम किया। उसे दुनिया वाले भी आजकल गोल्ड होगा ना तो भी पहनने के लिए डरते हैं कि चोरी ना हो जाए, तो बाबा कहते हैं अच्छा किया जो छोड़ दिया, समझदारी का काम किया। इसलिए त्याग का पदम गुणा भाग्य मिल गया। अच्छा, अभी अभी बाप दादा को एथेंस वाले याद आ रहे हैं, क्योंकि उस समय एथेंस में सेवा का बड़ा कार्यक्रम चल रहा था। वह भी बहुत याद कर रहे हैं। जब भी कोई विशाल कार्य होता है, बेहद के कार्य में बेहद का बाप और बेहद का परिवार याद जरूर आता है। जो भी बच्चे गए हैं, हिम्मत वाले बच्चे हैं, जो निमित्त बने हैं, उन्हों की हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना शुभकामना बच्चों के साथ है। बुद्धिवानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल देते हैं। इसलिए बेफा बादशाह बन, लाइट हाउस माइट हाउस बन, शुभ भावना शुभकामना के वाइब्रेशंस फैलाते रहो। हर एक सर्विसेबल बच्चे को बाप दादा नाम और विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सदा निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माओं को सदा स्मृति स्वरूप बन, हर परिस्थिति को साइड सीन अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप समान चारों ओर स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को सदा
तीव्र गति से पास विद ऑनर होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। बाबा विशेष दिल्ली जोन से मुलाकात कर रहे हैं। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो, सदा वाहवाह के गीत गाते हो। बाबा पूछ रहे हैं, वाहवाह के गीत गाने वाले हैं ना सभी? कहें हाँ जी बाबा। हाय हाय के गीत समाप्त हो गए या कभी दुख की लहर आ जाती है? दुख के संसार से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए, इसलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती। चाहे सेवा अर्थ रहते भी हो, लेकिन कमल समान रहते हो। कमल पुष्प कीचड़ से निकल नहीं जाता, कीचड़ में ही होता है, पानी में ही होता है, लेकिन न्यारा होता है। तो ऐसे न्यारे बने हो ना सभी, है ना सभी न्यारे? कहे हाँ जी बाबा। न्यारे बनने की निशानी है, जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे बनेंगे, स्वतः ही बाप का प्यार अनुभव होगा और ये परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाएगा। जिसके ऊपर छत्र छाया होती है वह कितना सेफ रहता है। जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है उसको कोई क्या कर सकते हैं। इसलिए फखूर में रहो कि हम परमात्म छत्र छाया में रहने वाले हैं। अभिमान नहीं है लेकिन रूहानी फखूर है। बॉडी कॉन्शियस होंगे तो अभिमान आएगा, आत्मा अभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा, लेकिन रूहानी फखूर होगा। और जहां फखूर होता है वहां विघ्न नहीं हो सकता। या तो फिक्र है या फखूर है, दोनों साथ नहीं होते। दाल रोटी अच्छे से अच्छे देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। रोज 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे, लेकिन दाल रोटी प्यार की जरूर मिलेगी, निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो फिक्र किस बात की? कोई फिक्र है नहीं, है ना? सभी निश्चिंत तो बेफिक्र बादशाह बनके सुन रहे हैं। कहे हाँ जी बाबा। दुनिया में फिक्र रहता है कि हम भी खाएं, पीछे वाले भी खाएं, तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे, आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। बाकी क्या चाहिए? डनलप के तकिए चाहिए क्या? अगर डनलप के तकिए व बिस्तर में फिक्र की नींद हो तो नींद आएगी। बिस्तर कितना भी महंगा हो परंतु फिक्र हो तो नींद थोड़ी आएगी। बेफा होंगे तो धरनी पर भी सोएंगे ना, तो भी नींद आ जाएगी। बेफिक्र होंगे तो बाबा कहते हैं धरती पर भी सो जाएंगे तो भी अच्छी नींद आ जाएगी। बाहों को अपना तकिया बना लो तो नींद आ जाएगी। जहां प्यार है वहां सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी, इसलिए बेफा बादशाह हो, है ना सभी बेफिक्र बादशाह? कहे हाँ जी बाबा। यह बेफा रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर ताज पहनकर तख्त पर बैठ गए और फिक्र करते रहे तो तख्त हुआ या चिंता हुई? तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। बेफा बादशाह हो गए हो, वह टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं, बेफा बादशाह। कोई फिक्र है? है किसी को कोई फिक्र? नहीं है ना? हाथ ऊपर करे जो बेफिक्र है। वह पूछते हैं पोत्रों धोत्रों का फिक्र है? आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का जरूर होगा। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य। इस भाग्य के आगे धन तो कुछ नहीं है, वह तो पीछे पीछे आएगा। जैसे परछाई होती है वह आपे ही पीछे पीछे आती है, या आप कहते हो पीछे आओ, तो यह सब परछाई है,
लेकिन भाग्य है ईश्वरीय भाग्य, सदा इसी नशे में रहो। अगर बाबा कहते हैं अगर पुराना है तो सदा का देखो ईश्वरीय नशा होगा ना, तो ऑटोमेटिकली पुरानी चीजों से हमारा ममत्व भी निकल जाएगा और उसके पीछे भागेंगे नहीं। तो सदा मुझे क्या करना है इस पर अटेंशन हो, सदा यही नशा रहे कि मैं ईश्वरीय संतान हूं। पाना है तो सदा का पाना है ना, टेम्पररी तो नहीं है। जब बाप और आत्मा अविनाशी है तो प्राप्ति विनाशी क्यों? प्राप्ति भी अविनाशी चाहिए ना, चाहिए ना सभी को अविनाशी प्राप्ति, कहें हाँ जी बाबा। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की, खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। उठते ही आंख खुली और खुशी का अनुभव हुआ, रात को आंख बंद हुई खुशी से आराम से आंख बंद हो गई तो आरामी हो गए। यही ब्राह्मण जीवन है ना, आरामदायी जीवन सभी की, खुशी वाली जीवन, कहें हाँ जी बाबा। अच्छा, बाप दादा से व्यक्तिगत मुलाकात, आज्ञाकारी बनने से परिवार की दुआएं। बाप दादा के सामने गायत्री मोदी का परिवार बैठा है। बाप दादा इस परिवार की एक बात देख करके बहुत खुश है। कौन सी बात? आज्ञाकारी परिवार है, इतना दूर से पहुंच तो गए ना, यह भी दुआएं मिलती है जो आज्ञा पालन करता है, चाहे किसी की भी। एक ने कहा दूसरे ने माना तो खुशी होती है ना, दिल से एक दो के प्रति दुआएं निकलती है। कोई अच्छा दोस्त या भाई हो अगर कहते ये बहुत अच्छा है तो यह दुआएं हुई ना। किसी को भी हाजी करना व आज्ञा मानना, इनकी गुप्त दुआएं मिलती है, तो दुआएं समय पर बहुत मदद देती है। उस समय पता नहीं पड़ता है उस समय तो साधारण बात लगती है, चलो हो गया, लेकिन यह गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद देती है, यह जमा हो जाती है, इसलिए बाप दादा देखकर खुश है। चाहे किसी भी कार्य के लिए आए तो है ना। और यह भी याद रखना कि परमात्म स्थान पर किसी भी कारण से, चाहे देखने के हिसाब से भी आ गए, जानने के हिसाब से भी आ गए, तो भी पाव रखा, उसका भी फल जमा हो जाएगा। यह भी कम भाग्य नहीं है, यह भाग्य भी आगे चल करके अनुभव करेंगे, उस समय अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगे। किसी भी कारण से हमने पांव तो रख लिया, अभी तो पता नहीं पड़ेगा, अभी सोचते होंगे पता नहीं क्या है, लेकिन बाप जानते हैं कि जाने अनजाने भाग्य जमा हो गया, जो समय पर आपको भी पता पड़ेगा और काम में आएगा। अच्छा, फिर रशिया के भाई बहनों की याद चक्रधारी बहन ने दी। अच्छा है, थोड़े समय में सफलता अच्छी और अच्छी अच्छी प्यासी आत्माएं निकली है, उनका स्नेह बाप के पास पहुंच गया। सभी को याद प्यार लिखना और कहना कि बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों को सहयोग दे आगे बढ़ा रहा है, अच्छी सेवा है, बढ़ाते चलो। आज का मीठा वरदान है, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। विश्लेषण है, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि है अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा इस स्मृति में रहना, और कुछ भी भूल जाए लेकिन यह बात कभी नहीं भूले कि मेरा बाबा है ना, मेरा बाबा सदा स्मृति में है। हाँ जी बाबा, मेरा बाबा, मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः आती है। मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। आज का स्लोगन है, माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ
ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। माया जीत बनने के लिए आज बाबा ने विशेष क्या कहा, स्नेह के साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। है ना सभी का ज्ञान का फाउंडेशन मजबूत। तो शक्तिशाली योग मेरा बाबा इसको यथार्थ कार्य में लगाते चले। आज का हमारा सुमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए मैं माया जीत हूँ, मैं माया जीत हूँ। आज लवली स्थिति का अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ है कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में, लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। अभी आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहे, औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना देते हो। है ना सभी बाबा के लव में लवलीन। तो सभी बाबा के लव में लवलीन रहने से दूसरों को भी आप समान और बाप समान बना देते हैं। है ना सभी का ऐसे ही कहे, हाँ जी बाबा। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।